हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और मैं सुबह का लंच का टाइम है, ये 10:30 का टाइम है जब मैं ये शूट कर रही हूँ वीडियो। मैं किचन में हूँ और मैं आज बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं पकौड़ा कढ़ी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले पकौड़ी बनाऊँगी। पकौड़े कढ़ी के लिए सबसे पहले पकौड़ी बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए, मैंने बैटर जो है वो तैयार कर लिया था, अच्छे से खूब फेटा था। इसमें मैंने हल्दी और नमक डाला है और कुछ नहीं डाला है बैटर में। और अब मैं इसकी छोटी छोटी बड़ियाँ तैयार कर रही हूँ पकौड़ी के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिए। और कभी भी कढ़ी की पकौड़ी बनानी हो तो तेल कम से कम ही डालें, उसमें ही कढ़ी की पकौड़ी अच्छे से फ्राई होती है। तो कम से कम तेल में देखिए जितनी डलनी थी उतनी मैंने पकौड़ी डाल दी। इन्हें अच्छे से दोनों तरफ से मैं हल्का ब्राउन करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ियाँ जो है मेरी अच्छे से फ्राई हो गई है। इन्हें मैं निकाल लूँगी अब, और इसी तरीके से मैं और पकौड़ियाँ डाल दूँगी। ये थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई करी है मैंने, हल्की सी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इस तरीके से प्लेन पकौड़ियाँ खाना। जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ वो एक दो पकौड़ियाँ ज़रूर खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इन्हें ज़्यादा सा फ्राई किया है। और अब देखिए मैं फिर वैसे ही और पकौड़ियाँ बना लूँगी फटाफट। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी की पकौड़ी बनके तैयार हो गई है। अब उसी कढ़ाई में मैं उतने ही तेल में मैं कढ़ी छोंकने जा रही हूँ। तो सबसे पहले कढ़ी छोंकने के लिए मैंने मेथी का दाना डालूँगी। इसे मैं अच्छे से ब्राउन होने दूँगी। मेथी के दाने से कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैं डालूँगी ये काली वाली सरसों यानी राई, इसे भी मैं अच्छे से तड़कने दूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें ये जीरा आधा चम्मच, इन तीनों को अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद मैं डालूंगी सूखी एक मिर्च जिसे मैंने तोड़ दिया है दो टुकड़ों में। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन जो कि मैंने अच्छे से कूट लिया है, काटा नहीं है लहसुन को, कूटा है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे भी कूटे हुए से। और अब इसमें मैं डाल दूंगी कटी हुई, इसे मैं अच्छे से ब्राउन होने दूंगी। लहसुन जितनी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होगी कढ़ी में उतना अच्छा फ्लेवर आएगा लहसुन का। लहसुन जो है देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया। इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है इसलिए मैंने 3 डाली है, तीखी होती तो 1 ही डालती मैं। इन्हें अच्छे से पकाऊंगी गोल्डन। जब तक वो पक रहा है जब तक देखिए ये घोल मैंने रखा हुआ है। ये इसमें है दही और बेसन और हल्दी और हींग, नमक नहीं डाला है। कभी भी दही वाली बेसन वाली कढ़ी बनाएं आप, दही बेसन की कढ़ी, तो उसमें नमक पहले नहीं डालते नहीं तो फट जाती है कढ़ी। ये देखिए ये हो गया, इसमें मैं कढ़ी ऐड कर दूंगी जो घोल के रखा था मैंने। इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला है मैंने, और इसमें जो पकौड़ी बनाई थी मैंने इसको भी वेस्ट क्यों करना, पानी तो कढ़ी में ज़्यादा लगता ही है। ये मैं अच्छे से डाल दूँगी क्योंकि कढ़ी अभी खोलेगी भी, इसे मैं कंटिन्यू चलाऊंगी। इसमें नमक हम तभी डालेंगे जब कढ़ी में अच्छे से उबाल आ जाएगा और कढ़ी जो है 90% बन के तैयार हो जाएगी, तब इसमें मैं नमक डालूंगी। कढ़ी आप कभी भी बनाएं मट्ठे वाली या दही वाली तो उसमें नमक पहले से नहीं डालना, क्योंकि फट जाती है कढ़ी, फटी फटी दिखने लगती है या तो फट ही जाती है। तो कढ़ी बनाने में सबसे बड़ा काम यही है कि कढ़ी फटे ना और फटी फटी ना दिखे, तो इसलिए सबसे पहले नमक नहीं डालना है, नमक सबसे लास्ट में डालना है जब कढ़ी में अच्छा सा उबाल आ जाए और कढ़ी जो है 80-90% कुक हो जाए, उसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। पकौड़े भी मैं अभी नहीं डालूंगी, इसमें कढ़ी में उबाल आएगा, इसे मैं कंटिन्यू चलाऊंगी। कंटिन्यू चलाते चलाते इसमें उबाल लाऊंगी मैं, उबाल आएगा तब इसमें मैं पकौड़े डालूंगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो कढ़ी है मेरी पक रही है, कढ़ी में उबाल आएगा तभी मैं उसमें पकौड़े डालूंगी। तो ये काम मेरा हो ही रहा है, साथ के साथ मैं कढ़ी भी कंटिन्यू चलाती रहूँगी। तो और मैं खीरे का सैलड मुझे बनाना है तो वो भी मैं साथ के साथ ही बना रही हूँ। छीलने जा रही थी मैं खीरा, चलाने लगी मैं फिर कढ़ी बीच में, क्योंकि बीच में कढ़ी भी चलाना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड आए हुए हैं यहाँ पर पानी लेने, उन्होंने पकौड़ियाँ टेस्ट भी कर ली, 1 कटोरी पकौड़ियाँ, 4-5 पकौड़ियाँ, 6 पकौड़ियाँ मैंने उन्हें दी थी, उन्होंने खा ली है, उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और अब हम वही चर्चा कर रहे हैं। पैकिंग हमारी हो गई है, हमारी नहीं, हम मेरी हुई है, हस्बैंड की तो अभी नहीं हुई है। तो वही वो अभी कह के हंस रहे हैं कि बड़ा पैकिंग कर रही हो, देखते हैं जाना है कि नहीं जाना है, मेरा मजाक बना रहे। यहाँ मेरी कढ़ी में जो है अच्छा खासा उबाल आ गया है,
अब मैं ये पकोड़े डाल दूंगी। कढ़ी में पकोड़े जब भी डाले जाते हैं जब अच्छे से उबाल आ जाए तब ये पकोड़े इसमें मैं ऐड कर दूंगी और गैस कर दूंगी एकदम मीडियम और मीडियम आंच पर इसे मैं 5 से 7 मिनट और पकाऊंगी। कढ़ी बनकर हो जाएगी तैयार। यम्मी यम्मी राइस पहले से बन चुके हैं, ये रहे राइस। तो आज का जो लंच है कढ़ी चावल, और लंच है वो है कढ़ी चावल और खीरे का सलाद। यही लंच है। दूध आ गया है, दूध गर्म करने रखती हूँ। आज हमें निकलना तो था, अभी हस्बैंड मुझे वही चिढ़ा रहे थे कि पैकिंग तुम्हारी हो गई, जाने का कोई ठिकाना नहीं क्योंकि ट्रेन हमारा सीटी बुक नहीं है। तो वही है, दूध में छान के रख देती हूँ, गर्म हो जाएगा। आज मैं बिना नहाए धोए किचन में लग गई थी क्योंकि आज सुबह बहुत हबड़ दबड़ हो गई। 2 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं जा रही थी तो आज भी मैंने वीडियो भी एडिट करी। 1 घंटा टाइम उसमें लगा और एडिट कर मैंने उसे अपलोड पे लगाया है। अभी भी उसमें टाइम है, कम से कम आधा घंटा भी और लग जाएगा अपलोड होने में वीडियो। वो किया, फिर घर की क्लीनिंग करी, घर पूछा, हस्बैंड स्टेशन गए थे मेरे तत्काल में टिकट के लिए तो नहीं हो पाया। फिर वो आ गए तो वो आगे कहने लगे कि मैं ड्यूटी जाऊंगा, फिर मैं कब नहाती और कब खाना बनाती। टाइम 10:30 हो रहा है अभी, तो फिर मैं फटाफट से खाना बनाने लग गई तो खाना मेरा बन गया है। और पूजा पाठ जो है आज हस्बैंड ने की, मैंने नहीं की। तो अब मैं किचन की क्लीनिंग करूंगी, थोड़े से बर्तन है रूम में वॉश करूंगी और उसके बाद मैं नहा धोकर। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी को पकते हुए 7-8 मिनट से भी ऊपर हो गए और ये कढ़ी जो है मेरी बनकर तैयार है अच्छे से लो फ्लेम पर। मैंने वही है, ये देखिए और कढ़ी का जो कलर है एकदम येलो कलर है, लेकिन कैमरे में नहीं कैप्चर हो पा रहा है कढ़ी का कलर। तो इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, नमक मैं अब डालूंगी स्वाद अकॉर्डिंग में, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं अब नमक डालूंगी क्योंकि इसमें मैंने नमक नहीं डाला था। कढ़ी मेरी रेडी है तो अब नमक डालूंगी इसमें। मैं नमक डाल दिया मैंने और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी नमक को और 2 मिनट इसे मैं और पकाऊंगी। कढ़ी बनकर तैयार है मेरी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, खाना मेरा जो है बनके तैयार है लंच। तो मेरे हस्बैंड जो नहा लिए हैं, नहा के वो पूजा वगैरह कर लिए हैं। तो मैंने अभी पहले भी बताया कि लंच और नाश्ता दोनों आज यही होने वाला है कढ़ी चावल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को ही कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तो इसीलिए आज मैंने फटाफट से बिना नहाए धोए किचन में लग गई कि चलो पूजा हस्बैंड कर देंगे तो ये सारे काम मैं फटाफट निपटा देती हूँ। और टाइम सुबह के 10:30 बज रहे थे जब मैंने खाना वगैरह बनाया, तो खाना मैं हस्बैंड को निकाल दूंगी। यहाँ पर कढ़ी चावल और सैलड में खीरा था और उनको खिलाने के बाद फिर मैंने किचन की क्लीनिंग की और बर्तन वगैरह वॉश किए और उसके बाद घर के आज सारे काम फिनिश कर ही मैं नहाई थी। और आज जल्दी से लगी थी मैं खाना बनाने, वैसे ऐसा होता नहीं है। पहले घर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, नहाती धोती हूँ, पूजा करती हूँ, देन उसके बाद मैं किचन में लगती हूँ खाना बनाने। मेरे घर में यही ज़्यादा इसी तरह मैं ज़्यादा करती हूँ, पर ऐसे कभी कभार ही होता है कि बिना नहाए धोए मैं फटाक से लग गई खाना बनाने जब कोई इमरजेंसी हो तभी। तो हस्बैंड को मेरे 2 बजे से ऑफिस जाना था इस वजह से, लेकिन तो वो गए भी नहीं। फिर वही है ना, जब आप थोड़ा सा टेंशन में हो तो कोई काम अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वो 2 बजे से भी फिर वो नहीं गए ऑफिस। आज उन्होंने छुट्टी ही करी है। अभी क्या कर रहे हो आप, घूम रहे हो क्या? यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आलू और प्याज की भुजिया सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए आलू को मैंने अच्छे से बारीक काटा हुआ है, प्याज को भी जिसे मैंने अच्छे से 2 पानी से धो लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च काटी है मैंने। कढ़ाई रख दी है गर्म होने, शाम का टाइम है, शाम के डिनर की तैयारी है, 6:30 हो रहा है। मैंने सोचा सुबह ना किचन में थोड़ा सा सूट किया मैंने, उसके बाद में कुछ सूट ही नहीं कर पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, थोड़ा सा मूड हम लोग का ऑफ है इस वजह से। मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो कंटिन्यू कर दूं, मैं इस टाइम का और दिखा दूं थोड़ा सा। ड्राई सब्जी जब बना रही हूँ ना मैं, आलू प्याज की, ये मेरे घर में बहुत कम बनती है, कभी कभार बन जाती है। जैसे आज सब्जियाँ नहीं है मेरे पास कुछ भी, जो भी सब्जियाँ थी कल मैंने मिक्स वेज बना के फिनिश कर दी थी क्योंकि आज हमें निकलना था, पर हमारी जो है टिकट कन्फर्म नहीं हो पाई, हम आज नहीं निकल पाए। तो इसलिए मैं अभी आज आलू प्याज की इस टाइम शाम को ड्राई वाली सब्जी बना रही हूँ। मैंने सोचा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए कढ़ाई जो है गरम हो गई, तेल भी गरम हो गया, इसमें मैं डालूँगी जीरा,
तो चलिए ये इसमें मैं डाल दूंगी जीरा और अजवाइन। इससे जो सूखी वाली ड्राई सब्जी बनती है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन और जीरे का। कटी मिर्च मैं इसमें डाल दूंगी, इसे ज़्यादा नहीं जलाऊंगी। एक मिनट बस, हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डाल के मैं तुरंत डाल दूंगी सब्जी। प्याज और आलू को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और लो टू मीडियम गैस पर इसको मैं अच्छे से करारी फ्राई होने दूंगी और इसे मैं ढक के पकाऊंगी। नमक अभी मैंने नहीं डाला है, दो मिनट के बाद नमक डालूंगी। देखिए सब्जी तो जो है वो आधी पक चुकी है आलू की, इसमें मैंने नमक नहीं डाला था तो नमक अब डालूंगी। पहले सब्जी ज़्यादा दिख रही थी उस टाइम में नमक डालती, थोड़ा सा ज़्यादा होने का डर रहता है। इस तरीके से आधी सब्जी पक जाए तब नमक डालो तो नमक अंदाज से अच्छे से डलता है, ज़्यादा नहीं होता है। और ड्राई सब्जी जो है मेरी आलू ड्राई हो चुकी है। इस आलू की सब्जी जो है इन दिनों की बहुत जल्दी बनती है। ये देखिए आलू जो है पक चुका है, अब इसे मैं बिल्कुल चलाऊंगी नहीं, ये ड्राई हो चुकी है अच्छे से। करारी कुरकुरी कुरकुरी आलू और प्याज की भुजिया ड्राई सब्जी बनके तैयार है आराम से। 10 मिनट में बनके तैयार हो गई है। गैस बंद कर दूंगी, यहाँ मिल्क गर्म हो रहा है, दही जमाना है मुझे। और ये जो ड्राई सब्जी है हम दही के साथ खाने वाले हैं। ये देखिए दही मैंने जमा रखा था सुबह का, काफ़ी है इतना हम दो लोगों के लिए। ड्राई सब्जी के साथ ना प्लेन रोटी ज़्यादा ही टेस्टी लगती है, पराठे पूड़ी भी टेस्टी लगता है। और प्लेन जो रोटी होती है तो आटा लगा रखा है मैंने। टाइम 7 बज रहे हैं, 7:45 तक मैं रोटी बनाऊंगी। तो हमारा जो डिनर है वो बन के रेडी है, यही है डिनर में आलू की ड्राई सब्जी और प्लेन रोटी और दही। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बेबी खेल रही है और मौसम हमारे यहाँ बहुत ख़राब हो रखा है, तूफान तूफान मौसम हो रखा है, हवा पानी तूफान। हम बाहर ही हैं, हम लोग बाहर ही घूम रहे हैं, बाहरी आंगन में बेबी घूम रिकमेंड करती हूँ। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक करें, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।